और उनका किराए पर मत लो, उन्हें प्रॉपर्टी फरोख मत करो, और हुकूमत बैठ के तमाशा देख रही है। खुदा की कसम मुझे सियासत पसंद नहीं, मैं बेसिकली व्यापारी बिजनेसमैन हूं, लेकिन मेरी मजबूरी मेरी जरूरत है सियासत करना। मैं इन फिरका परस्तों की आंखों में आंख डालकर उनका जवाब देना चाहता हूं। अगर आप शिया हैं तो शिया रहिए, आप सुन्नी हैं सुन्नी रहिए, आप देवबंदी हैं देवबंदी रहिए, बरेलवी हैं बरेलवी रहिए। मेरे बाप की ताकत नहीं मैं आपको उसके बारे में कुछ बोल सकूं, लेकिन एक ही बात बोलूंगा कि आप अपने मसलक के बारे में जितना प्रचार करना हो कीजिए, दूसरे मसलक पर छींटा मत डालिए। खुदा के वास्ते मत कीजिए, बहुत कमजोर हैं हम लोग, हम बहुत कमजोर हैं, ये हमें खत्म कर देना चाहते हैं। और हम आपस के तफरके में लड़ करके अगर हम इनको चांस दे देंगे तो हम क्या करेंगे, हमारी तादाद कम है। और इनका एक फार्मूला बनाया है कि ये गवर्नमेंट ने बनाया है कि शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस न जाने क्या क्या इनको बांट दो, और 80% लोगों को एक साथ का करके इस मुल्क में हुकूमत करो। ये हो रहा है आज, शुरू करो यहां से। मुबारकबाद सारे मसलक के लोगों को, लेकिन दूसरे